गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, कह रहे रवि एज इज 12 ईयर्स यंगर देन सूर्या। रवि का जो एज है वो 12 साल क्या है, छोटा है। रवि 12 साल छोटा है सूर्या से, बेसिक सही है कह रहे हैं। एज का क्वेश्चन है परसेंटेज के बेसिस पे, ठीक है। रवि एज इज 40%, रवि का जो एज है वो कितना है, 40% है ऑफ द सम ऑफ हिज एंड सूर्या एज। तो रवि साहब को ले लीजिए, और 40% की वैल्यू कितनी, 2/5। मतलब अगर 5 में रवि और सूर्या, सीधा रवि और सूर्या का रेशियो लिखेंगे तो रवि कितना है, 2 है। रवि कितना है, 2 है, 5 में 2 है। अब 5 में क्या है, रवि सूर्या दोनों है, तो 2 रवि का ही है, तो सूर्या कितना हो जाएगा, 3। तो सूर्या का रेशियो कितना हो गया, 3। तो 2 और 3 का रेशियो आ गया। क्लियर है, कैसे आया ये समझ गए सब लोग। तो रवि कितना छोटा है, तो 1 और 1 में कितना छोटा हो जाएगा, 12। 1 में कितना छोटा हो जाएगा, 12। क्लियर है। तो 2 में रवि का एज, सूर्या का एज पूछा हमसे, व्हाट विल बी द सूर्या एज पूछा, तो 3 में कितना हो जाएगा, 36। तो सूर्या पूछा है तो 12 36। लेकिन 9 ईयर है, 9 साल बाद, तो अभी प्रेजेंट 36 है, ये प्रेजेंट आया, तो प्रेजेंट 36 आया, तो 9 साल बाद 36 + 9 कितना हो जाएगा, तो 36 + 9 कितना हो जाएगा, 45। ऑप्शन नंबर डी बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। एक बार मैं रेशियो बता देता हूँ कैसे हमने कन्वर्ट किया। तो ये बोला 2/5, और 5 में क्या था, रवि भी था और सूर्या भी था, और 2 में बोला रवि ही है सिर्फ, 40% का वैल्यू। तो रवि 2 है और रवि प्लस सूर्या 5 है, तो इसका मतलब रवि यहाँ 2 है, तो सूर्या कितना हो जाएगा, 3। तो रवि और सूर्या का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3। बहुत आसानी से रेशियो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ हम लोग को, समझ रहे हैं। 100 पे भी बता देते हैं, 100 पे भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। देखिए रवि लिख दीजिए यहाँ पे, और रवि का कितना है, 40, ठीक है। और यहाँ पर रवि प्लस सूर्या 100, यही बोला हमसे, तो रवि 40, रवि प्लस सूर्या 100, तो रवि 40 हो गया, तो सूर्या कितना होगा, 60। तो रेशियो कितना आ गया, 2:3, समझ गए, बहुत आसान था। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करें, एक बार खुद से ट्राई करें। एक्स पे भी बन सकता है, हाँ एक्स पे भी बनेगा, क्यों नहीं बनेगा एक्स पे, एक्स पे तो पूरी दुनिया बन जाती है। एक्स जब अपने बनाने पे आ जाता है तो एक्स तो पूरी दुनिया बना लेती है, क्या दिक्कत है एक्स पे, ठीक है। एक्स पे मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है कोई, एक्स पे भी बनेगा। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करें, सब लोग ट्राई करें। मेंस का क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ट्राई किया होगा, सबने नहीं किया होगा लेकिन कुछ लोगों ने किया होगा। देखिए पेन पेपर लेके ही बैठा करें आप लोग, कह रहे हैं यहाँ पे हम लोग टोटल ले लेते हैं कितना, 100। 55% ऑफ द टोटल वो वोटर्स आर मेल, 55% जो वोटर्स है वो क्या है, मेल है। तो 100 में से जो 55 है वो मेल है, और फीमेल कितने होंगे, 45। अच्छा पहले मुझे लगता था ना कि मेरी इंग्लिश ही बहुत ज्यादा अच्छी है, तो मुझे इस बात का काफी ज्यादा ये था कि माई इंग्लिश इज ऑसम, हाउ मच, ठीक है। तो मुझे लगता था कितना है, इंग्लिश ऑसम है, तो फैंटास्टिक, फैंटाबुलस, मार्वेलस, ऑसम, ऑसम, ऑसम मेरा इंग्लिश है। लेकिन जब ना मैं एक क्लास में एक दिन पढ़ा रहा था, तो मैं एक क्वेश्चन लिखवा रहा था, तो मैंने लिखवाया मेल, मेल और फीमेल यही, तो एक स्टूडेंट ने लिखा मेल, ये MEL मेल, तो मुझे रियलाइज हुआ नहीं मेरे जैसे भी कुछ है इंग्लिश वाले, जो मेरे से भी थोड़े गए गुजरे हैं, तो मुझे रियलाइज हुआ नहीं अपनी इंग्लिश उतनी भी खराब नहीं है। कुछ लोगों को देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि खराब तो है बट उतनी ज्यादा भी नहीं है, वैसे भी मैथ्स वालों को इंग्लिश आती है। देखिए 55% मेल हो गए और रेस्ट फीमेल, तो बचे हुए कितने हो जाएंगे, 45 फीमेल। कह रहे 40% ऑफ द मेल आर इलिटरेट, अब मेल का 40% इलिटरेट है, अभी नहीं निकालते हैं 40% क्या होगा, अभी आगे क्वेश्चन तो पढ़िए क्या कह रहा है। एंड 40% ऑफ द फीमेल, देखिए ये इलिटरेट बोला है, इलिटरेट बोला है, देन बाई वाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल मोर देन इलिटरेट फीमेल, तो लिटरेट मेल निकालना है। देखिए यहाँ मेल के बारे में इलिटरेट बोला है और यहाँ क्या निकालना है, लिटरेट मेल निकालना है, तो 40 है तो इसका 60% निकालना पड़ेगा, कितना निकालना पड़ेगा, 60%। 60% कितना होता है, 3/5, तो 33 हो जाएगा क्या, कोई अगर दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, तो 20%, 1/5, 60%, 3/5, ठीक है। और 40% फीमेल लिटरेट है, तो इलिटरेट कितना, 60%, ये भी कितना, 60%, ये भी 60%, तो कितना, 3/5, 5 से कटेगा 9, 9 3 का 27, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल, लिटरेट मेल कितना मोर देन इलिटरेट फीमेल, काफी आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। लिटरेट मेल जो है, व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल, ये लिटरेट मेल 33 हो गए,
और यहाँ पे कितना हो गया, मोर देन इलिटरेट फीमेल। यहाँ के बाद मुझे तो नहीं लगता बताना पड़ेगा, आप लोग काफी आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना ज्यादा है, तो 3 इधर और 2 कितना ज्यादा है बताइए, 5 ज्यादा नहीं होता तो सबसे अच्छा रेशियो ले लीजिए, तो 11 और 9 का रेशियो हो जाएगा, तो ये कितना ज्यादा हो जाएगा, 2। 2 ज्यादा होगा कितने पर, 9 पर। कितना ज्यादा होगा, 2 ज्यादा होगा 9 पर। 2/9 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको पता है 23, 2/9%, ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया, सबको समझ आ गया उम्मीद करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसी को नहीं कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं, क्वेश्चन समझ आ गया होगा, सही है, चलिए गुड। कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग सब लोग बनाएंगे। अभी 1 मिनट का टाइम देते हैं, वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें, सब लोग एक बार ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें। कंप्यूटर जी कहाँ लेके चले गए इसको, ट्राई करने का मौका दिया था, कंप्यूटर जी आप तो कहीं और ही लेके चले गए इसको, कंप्यूटर जी वापस चलाइए। हाँ चलिए आप लोग एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को सब लोग। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ट्राई किया होगा। ठीक है, कह रहा है ना 83 1/3%, अब देखिए 83 1/3%, हम लोग 100 नहीं ले सकते, पहले इसने मना कर दिया 100 नहीं ले सकते, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो हमें शायद नहीं पता इसकी वैल्यू, मैं बता देता हूँ 5/6 होता है, लेकिन अगर हमें नहीं पता, मान लीजिए कोई ऐसा चीज आ जाता है जिसका वैल्यू हमें नहीं पता, वैसे ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहला तरीका है 83 1/3%, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 50%, जो भी दो वैल्यू पता है उसमें तोड़ दीजिए, 33 1/3%, तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/3, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 5/6। अगर ये भी चीज हमें नहीं पता, मान लीजिए नहीं तोड़ पाते, तो कोई दिक्कत नहीं है, 83 × 3 कर देते, 3 और 249, 249 + 1 250, 250/3% हो जाता है ये वैल्यू, तो इसको कितना लिखते हैं 250, अब / 3, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100, 0 से 0 कर दिया, 5 से कटा 5 और 5 से कटा 2, तो ये कितना गया 5/6, समझ पा रहे हैं। चलिए तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, तो यहाँ से 83 1/3% की वैल्यू हमको पता चलेगा 5/6, तो टोटल 6 ले लेते हैं, टोटल कितना ले लेते हैं 6, लेकिन परसेंटेज आ गए तो 6 की जगह टोटल कितना ले लेते हैं 60, 60 में से 50 क्या हो जाएंगे गर्ल्स, 6 में से 5, तो 60 में से 50, तो बॉयज कितने हो जाएंगे 10। ठीक, अब 60% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड 80% ऑफ द गर्ल्स आर प्रेजेंट। अब ये नहीं कि 60% निकालने लगे 80% निकालने, नहीं, पहले देखिए क्या कह रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एबसेंट पूछ रहा है, तो प्रेजेंट कितने हैं 60%, तो एबसेंट कितने हो जाएंगे 40% मतलब 4, एबसेंट 40% मतलब 4, और यहाँ 80%, तो 20% ही हो जाएगा क्या एबसेंट, 80% प्रेजेंट 20% एबसेंट, तो 50 का कितना हो जाएगा 5 × 10, तो 14 टोटल स्टूडेंट बॉयज एबसेंट 4, गर्ल्स एबसेंट 10। बच्चे काफी नाखुश होंगे इस क्लास में, क्लास में उनका मन ही नहीं लगता होगा, नहीं संख्या काफी नहीं, क्लास में ज्यादा मन लगता होगा, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, इनका क्लास में ज्यादा ही मन लगता होगा, तो 10 और 4 कितना हो गया एबसेंट 14, फिर भी 4 एबसेंट हो गया, 14 एबसेंट हो गया कितने में से, 100 में से नहीं 60 में से, और परसेंटेज के लिए इनटू कितना 100%, आराम से काटिएगा धीरे धीरे स्लोली स्लोली कंप्यूटर जी, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, मार्कर चेंज नहीं किया कंप्यूटर जी आपने, और ये कटा 7 और ये कटा 3, 70/3% आ गया, कितना आ गया 70/3, इसको फ्रैक्शन में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा 23 1/3%। क्लियर है, उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा आप लोगों। चलिए चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे, धन्यवाद।